हाय फ्रेंड्स, आज मैं मैथ का क्लास लेके आया हूँ। तो मैथ में हम सबसे पहले देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या गवर्नमेंट जॉब है या फिर प्राइवेट जॉब हो। अगर उसमें एप्टीट्यूड आएगा तो इस चैप्टर से क्वेश्चन कंपलसरी रहता है कि ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से देखिए, काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, आप समझिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और इसका PDF मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ के समझ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं भी दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का और इसका दोनों का दे दूंगा मैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वहां, उसमें मैं दे दूंगा। और आपका 5 अगस्त को एग्ज़ाम है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। और कल वेबिनार था तो कुछ लोगों ने ज्वाइन किया होगा, उसमें कुछ तो हेल्प मिला होगा ज़रूर, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अभी देखिए इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जो कि हम सबसे पहले उसको मैं आपको समझा देता हूँ, और टर्म्स को कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, पहला आपका आता है प्रिंसिपल, मूलधन जिसे कहते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है कि द मनी बोरोड आर लेंड ऑफ फॉर ए सर्टन पीरियड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जैसे आप किसी को 100 रुपये दे दिया या फिर किसी से 100 रुपये लिया, सपोज़ करो कि आपने किसी को 100 रुपये दिए ना, तो जो 100 रुपये है ना, 100 रुपये आपने उधार दिया उसको, तो जो 100 रुपये हैं वो आपका मूलधन है, 100 रुपये मूलधन है। और आपने एक कंडीशन लगा दिया कि जब हम तुम मुझे वापस करोगे, जब तुम मुझे वापस करोगे तो 100 रुपये नहीं, मुझे 105 रुपये चाहिए। तो जो 5 रुपये है ना वो आपका ब्याज है, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। 100 रुपये हमने दिया और 105 रुपये मुझे मिल रहा है, तो 100 रुपये हमारा मूलधन हो गया और 5 रुपये क्या है वो ब्याज है। तो मूलधन और ब्याज दोनों मिला के कितने हुए, 105 रुपये है। 105 रुपये को फिर क्या बोलते हैं हम लोग, इसको मिश्रधन बोलते हैं, अमाउंट। ठीक है, तो मूलधन और ब्याज को मिला करके हमारा मिश्रधन बनता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो मूलधन आपको समझ में आ गया होगा, इतना पैसा हम किसी को देते हैं या फिर लेते हैं उसी को हम मूलधन बोलते हैं। उसके ऊपर जो ब्याज एक्स्ट्रा आएगा उसे हम ब्याज बोलेंगे। देखिए अभी इंटरेस्ट के बारे में डिफिनेशन देखिए, एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो जो हमारा पैसा है उसको यूज करने के लिए हम जितना एक्स्ट्रा पैसा देते हैं ना उसको हम ब्याज कहते हैं। अभी इंटरेस्ट भी दो टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये दोनों अलग अलग चैप्टर बनाए गए। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इफ द इंटरेस्ट ऑन ए सम बोरोड फॉर सर्टेन पीरियड इज रिकाउंट यूनिफॉर्मली देन इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। यदि उधार लिए गए पैसे पर जो ब्याज आ रहा है ना, अगर हर साल बराबर आ रहा है तो हम उसे साधारण ब्याज करते हैं कहते हैं। सपोज करिए कि अगर आपने 100 रुपये लिया है तो एक साल बाद उसको कितना दे रहे हैं, एक साल बाद उसका कितना ब्याज होगा, 5 रुपये होगा। फिर अगले साल उसका ब्याज कितना होगा, 5 रुपये होगा। अगले साल कितना ब्याज होगा, 5 रुपये होगा। तो हर साल जो उसका इंटरेस्ट है ना वो सेम है, इंटरेस्ट रेट जो है वो सेम है। ठीक है, एवरी ईयर मतलब उसका रेट जो है फिक्स है, वो कम या ज़्यादा नहीं हो रहा। अगर 5 रुपये उसका ब्याज आ रहा है तो अगले साल भी 5 रुपये ही आएगा, तो इसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, उसमें क्या होता है, अगर एक साल आपका 5 रुपये आए ना तो नेक्स्ट ईयर में हो सकता है आपका वो उससे कम आएगा, 5 रुपये से कम आएगा, उसके नेक्स्ट ईयर उससे भी कम आएगा, तो इसको बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट हर साल चेंज होता रहता है। तो अब चलिए
आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल को हम पी से इंडिकेट करेंगे, जो हमारा मूलधन रहेगा हम पी से इंडिकेट करेंगे। रेट, ब्याज का जो दर रहेगा ना, दर, रेट को दर बोलेंगे यहाँ पे। जो ब्याज का दर है ना, उसको आर से इंडिकेट करना है, आर से। और ये जो रेट लेना है, पर ईयर लेना है, पर ईयर। अगर वो मंथ में दिया है ना रेट, तो आप उसको ईयर में कन्वर्ट करो, तब जाके फार्मूले में पुट करना है, ठीक है। टाइम क्या है, ईयर में लेना है। अगर टाइम भी हमारा आवर में दिया है या फिर मंथ में दिया है, तो इसको भी हमें ईयर में कन्वर्ट करना है। देखिए, अभी सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज, इसको SI, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, PRT अपन 100। P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है, T क्या है, समय है। मूलधन इंटू दर इंटू समय डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। केवल इस फार्मूले में वैल्यू रखना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल, रेट और समय डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया। अभी देखिए, अभी इसी फार्मूले को हम हल्का सा मतलब कन्वर्ट करके यहाँ से हम मूलधन का मान निकाल सकते हैं। अगर सपोज करिए कि सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर हमें मूलधन का मान पूछ दिया कि सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, बोल देगा मूलधन का मान बताइए, तो मूलधन का मान निकालने के लिए जब इसको कन्वर्ट करोगे तो इतना आएगा, P बराबर 100 इंटू SI। ये क्या है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो RT नीचे आ जाएगा। P बराबर 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपन RT, दर गुणे समय। अगर हमें रेट का वैल्यू निकालना है, दर का निकालना है, तो 100 इंटू SI अपन P इंटू T। अगर टाइम निकालना है हमें, तो 100 इंटू SI अपन P इंटू R, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है, बेसिक फार्मूला ये है। बस आपको यही याद करना है, ये तो आप इसको कन्वर्ट करके निकाल ही लोगे, तो इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक जो फार्मूला, आप बस उसको लेके चला करो। अब नेक्स्ट है आपका मिश्रधन अमाउंट। मिश्रधन को हम किससे इंडिकेट करेंगे, ए से इंडिकेट करेंगे। तो मिश्रधन क्या क्या होगा, मिश्रधन में क्या आएगा, मूलधन आएगा और ब्याज आएगा। तो देखिए, मिश्रधन ए बराबर पी मूलधन प्लस ब्याज SI। SI का वैल्यू कितना है, इतना है ना, मूलधन प्लस SI, PRT बाई 100, पी प्लस SI। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन और साधारण ब्याज का जो एडिशन होता है, उसे हम अमाउंट कहते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट फार्मूलेज थे। इतना ही फार्मूला इस चैप्टर में, बस आपको इतना ही फार्मूला याद करना है, दो ही फार्मूला याद करना है। तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द इंट, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर एट द रेट ऑफ 15% ऑफ 100। अब देखिए, पूछ रहा है कि 100 रुपये का 15% की दर से, 100 रुपये का 15% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ठीक है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, यहाँ पे मैंने साधारण या सिंपल लिखना छोड़ दिया, तो साधारण ब्याज पूछ रहे कि 100 रुपये है, उस पर 15% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। अभी पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है, 100 रुपये का है। मान लीजिए 100 रुपया आपने किसी से उधार लिया, 100 रुपये उधार लिया, अब वो बोल रहा है 15% की दर से, अब वो जो ब्याज लगा रहा है ना, उस पर 15% का ब्याज लगाएगा उस 100 रुपये पे, और 2 वर्ष के लिए आपने लिया, तो 2 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा। अभी देखिए, हमारा मूलधन क्या है, 100 रुपये, समय क्या है 2 साल, रेट क्या है 15%, हमें पूछ रहा है साधारण ब्याज पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। अभी इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, बस फार्मूले में रख देना है। फार्मूला हमारा क्या था, SI बराबर PRT अपन 100,
पी क्या है हमारा 100, आर क्या है 15%, टी क्या है 2 साल, ठीक, डिवाइडेड बाई 100 है, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करोगे 30% आपका आंसर आ जाएगा, आपका 30% इसका जो आंसर होगा 30% आएगा, ठीक। आप एक बार और समझिए कि 100 रुपये आपने उधार लिया, 15% की दर से उस पर 2 साल का ब्याज देना है, तो हमें ब्याज पूछ रहा है कितना ब्याज होगा, ठीक है। तो बस फार्मूले में रखना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया किसी को तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो कोई भी प्रॉब्लम उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ 4 become 10, इस 4 रुपये 10 रुपये हो जाता है 50 वर्षों में एट सिंपल इंटरेस्ट, द रेट पर एनम एज, पूछ रहा है कि यदि 4 रुपये साधारण ब्याज की दर से 50 वर्षों में 10 रुपये हो जाता है तो ब्याज का दर क्या है। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग किया है कि 4 रुपये, मान लीजिए 4 रुपये हैं मेरे पास 4 रुपये हैं और वो 50 साल में 10 रुपये हो जाता है, 50 साल में 10 रुपये हो जाता है, या फिर सपोज करो कि बैंक में आपका 4 रुपये आपने जमा किया वो नेक्स्ट 50 ईयर में 10 रुपये हो जाता है, तो पूछ रहा है कि जो ब्याज है हमारा किस रेट से किस दर का ब्याज लगा है उस पर। 4 रुपये हमने जमा किया, अगले 50 साल में हमें 10 रुपये मिल रहे हैं, तो जो हमारा ब्याज है वो किस रेट से जमा हुआ है, ठीक है, तो वो हमें ब्याज का रेट निकालना है। तो अभी देखिए हम अब देखिए क्या क्या दिया है, मूलधन है 4 रुपये, मिश्रधन है 10 रुपये, 4 रुपये हमारा मूलधन है और 50 साल बाद क्या हो जा रहा है 10 रुपये हो जा रहा है, तो हमारा मूलधन प्लस ब्याज, इसमें ब्याज जोड़ गया है इसके लिए 10 रुपये हुआ है, तो मूलधन प्लस ब्याज कितना हो जाएगा 10 रुपये। समय कितना दिया है 50 साल दिया है और रेट पूछ रहा है। अभी देखिए हमारा मूलधन बराबर क्या होता है, सॉरी मूलधन बराबर होता है पी प्लस एस आई होता है ना, अभी एस आई हमें निकालना तो ए माइनस पी हो जाएगा, पी इधर आ जाएगा माइनस में, तो वही फार्मूला यहाँ पे मैंने यूज किया, एस आई बराबर ए माइनस पी, तो 10 - 4 बराबर 6 रुपये, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 6 रुपये आया, जो ब्याज आया हमारा 6 रुपये आया, ठीक है 6 रुपये हमारा ब्याज है। अभी पूछ रहे 6 रुपये जो हमारा ब्याज मिला है ये किस रेट से लगा था, इसका परसेंटेज क्या था ब्याज का, ठीक है। तो ब्याज का फार्मूला आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बाई 100, पी क्या है हमारा 4 रुपये, आर क्या है पूछ रहा है, पहले एस आई का वैल्यू भी हमें पता है, एस आई का मान 6 रुपये हमने रख दिया, पी का मान 4 रुपये, आर पूछ रहा है और टी का मान 50 साल डिवाइडेड बाई 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए ये जो 100 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 हो जाएगा बराबर 15 × 4 200 हो जाएगा आर, ठीक है। अब आर का जब वैल्यू निकालोगे आप तो आर बराबर हो जाएगा एक 200 इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा उससे, तो 600 / 200 आंसर आ जाएगा 3%, तो जो हमारा राइट आंसर है 3% होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ एन अमाउंट ट्रिपल इन 20 ईयर व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूछ रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि यदि कोई राशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, आप इसको समझिए। देखिए क्या दिया है कि यदि कोई राशि 20 साल में 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है। मानिए कि आपके पास 50 रुपये है, 50 रुपये है, अब अगले 20 साल में क्या हो जाता है 50 रुपये 3 गुना हो जाता है तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा ना, 150 15 × 3 3 गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, तो पूछ रहे हैं उसका ब्याज का दर क्या है। अभी हमें ये नहीं पता है कि हमारा मूलधन क्या है और मिश्रधन क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें बस समय पता है,
समय पता है, इंटरेस्ट भी नहीं पता, कुछ भी हमें पता नहीं, हमें मुझे बस समय दे दिया है कि कोई राशि है वो 20 साल में इतना हो जाती है, तो हमारा रेट पूछ रहा है। अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने मान लिया कि जो हमारा मूलधन है वाई है, मूलधन हमने वाई मान लिया, तो जो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन वाई है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ो, मिश्रधन यदि कोई राशि 20 वर्ष में तीन गुनी हो जाती है, तो ए वाई है तो तीन गुना हो जाएगा ना इसका, तो 3y, तो इसका मिश्रधन जो होगा 3y हो जाएगा। तो यहाँ से साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या लगाएंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन, 3y माइनस वाई बराबर 2y। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अभी हमें मूलधन प्राप्त हो गया, मिश्रधन प्राप्त हो गया और साधारण ब्याज भी प्राप्त हो गया। अभी हम रेट निकाल लेंगे आसानी से, और हमें समय तो ऑलरेडी पता है, यहाँ से रेट निकाल लेंगे हम। तो वही सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला, वही फार्मूला लगाना हमें। तो एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, एस आई का मान कितना है हमारा 2y, पी क्या है वाई है, आर निकालना है, टी क्या है 20 साल है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक, जब इसको आगे सॉल्व करोगे 2y इक्वल टू 20 आर वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10%। अभी इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारा हल छोटा सा एक ट्रिक है, आप इसको याद कर लें तो इसे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है कि आर इक्वल टू एन माइनस वन बाई टी इंटू 100, आर इक्वल टू एन माइनस वन बाई टी इंटू 100, एन क्या है कितने गुना हो गया, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो उसके जगह पे उतना रखेंगे। अभी हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 गुना हो गया, तो एन की जगह पे हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया, माइनस वन फार्मूले में है, डिवाइडेड बाई टी, टी क्या है 20 साल में हो जा रहा है, तो समय हमारा 20 साल है इंटू 100। ठीक, तो जब इसको आगे सॉल्व करोगे आप 2/20 इंटू 100 बराबर 10% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप बेसिक फार्मूले से इसको सॉल्व करो या फिर ये ट्रिक याद कर लो, तो एक लाइन में जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आप याद कर लो अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कि यदि कोई राशि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी दर से 6 गुना हो जाएगी। अभी यहाँ भी देखिए हमें अमाउंट नहीं पता है, मूलधन नहीं पता है और रेट भी नहीं पता है। अभी देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, पूछ रहा है कि यदि कोई राशि, यदि कोई मूलधन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। सपोज करें कि आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए, 500 आपने उधार लिए, ये 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा इसका। बोल रहा है जो आपका अमाउंट है 500, वो अगले 5 साल में 2 गुना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 500 का 2 गुना 1000 हो जाएगा। तो पूछ रहा है वो कितने साल में उसी दर से, हमारा इंटरेस्ट रेट वही रहेगा, उसी दर से कितने साल में 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें T1 पता है 5 साल में हो जा रहा है, T2 हमें पता करना है, T2 का वैल्यू निकालना है, N1 पता है 2 गुना और N2 पता है 6 गुना, N1 और N2, अभी उधर में N1 करके एक क्वेश्चन बताया, N1 2 गुना, N2 6 गुना, R1 बराबर R2, हमारा रेट क्या है सेम है, जो ब्याज का दर है ना वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अभी देखिए इसको क्या हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप बेसिक से सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा होगा, तो इसके लिए इसका ट्रिक से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसका ट्रिक क्या है, R1 बाई R2 इक्वल टू N1 माइनस 1 इंटू T2 अपॉन N2 माइनस 1 इंटू T1। ठीक, अब जब इसको आगे सॉल्व करोगे आप, इसको T1 T2 को इधर लेके आ गए हम, R1 इंटू ए जो T1 है ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 और T2 इसके साथ आ जाएगा R2 इंटू T2,
बराबर एन वन माइनस वन अपन एन टू माइनस वन। देन नेक्स्ट है आपका आर वन इंटू टी वन अपन आर वन इंटू टी टू, ए बी आर वन ए बी आर वन, आर टू की जगह पे हमने आर वन कर दिया। आर वन क्यों किया, क्योंकि आर वन बराबर आर टू है हमारा, ठीक। तो आर टू की जगह हम आर वन रख सकते हैं या फिर आर वन की जगह आर टू रख सकते हैं, ठीक है। तो आर वन कर दिया यहाँ पे, बाकी ये सेम रहेगा। अब जब आगे बढ़ेंगे हम तो ए आर वन से आर वन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल बचेगा टी वन बाई टी टू इक्वल टू एन वन माइनस वन अपन एन टू माइनस वन, ठीक। तो इतना समझ में आया आपको, फाइनल जो हमारा आया इतना आया। अभी हम यहाँ पे केवल वैल्यू रखेंगे, T1 का मान हम कितना पता है 5 साल है, T2 का मान हमें ज्ञात करना है, प्राप्त करना है T2 का मान इक्वल टू N1 क्या है दो गुना हो जाता है ना, तो दो रख देंगे, और N2 क्या है छः गुना हो जाता है, छः रख देंगे माइनस वन, ठीक। जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो 5 बाई टी टू इक्वल टू ए टू माइनस वन वन, सिक्स माइनस वन फाइव, तो आपका जो आंसर आएगा 25 ईयर आएगा, T2 बराबर 25 ईयर, ठीक है। तो जो हमारा अमाउंट है वो दो साल में दो गुना हो रहा है, सॉरी पाँच साल में दो गुना हो रहा है और 25 साल में छः गुना हो रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिक भी काफ़ी अच्छा ट्रिक है, आप इसको याद करें, इसको कॉपी में नोट करें और इस पर जितने भी बुक में क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच अमाउंट विल बी 520 इन 5 ईयर एंड 568 इन 7 ईयर विद सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 साल में 520 रुपये और 7 साल में 568 रुपये होगी। पूछ रहा है कौन सी अमाउंट 5 साल में 520 रुपये और 7 साल में 768 रुपये हो जा रही, 568 रुपये हो जा रही। सपोज करिए कि कोई आपने उधार लिया, आपने 500 उधार लिया, इतना समझ लो कि आपने 500 उधार लिया, तो 5 साल में क्या उसका रेट हो रहा है 520 रुपये ब्याज हो जा रहा है, 20 रुपये ब्याज हो गया तो 520 हो गया, और 7 साल में वो अमाउंट कितना होगा 568 हो जाएगा। तो हमें वो अमाउंट पूछ रहा है, अभी हमने यहाँ पे 500 सपोज कर लिया, लेकिन वो अमाउंट पूछ रहा है कि वो कौन सा एक्चुअल अमाउंट है जिस पे कि इतना हमारा ब्याज आएगा। तो अभी देखिए इसको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले आप वो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 5 साल में 520 रुपये हो जाता है और 7 साल में 568 रुपये हो जाता है। तो अभी देखिए 5 वर्षों में धनराशि, 5 साल का जो हमारा अमाउंट है 520 रुपये है, 7 साल का जो अमाउंट है 568 रुपये, 520 और 768, दो साल में हमारा 768 हो गया। अभी ये जो तो देखिए ये जो 5 साल है, 5 साल और 7 साल इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है 2 साल का। अभी ये 2 साल में अमाउंट कितना ज़्यादा हो रहा है, 520 के बाद जितना अमाउंट हो रहा है ना, तो वो हमारा क्या होगा 2 साल का ब्याज हो जाएगा, तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा ना। तो ठीक है, अभी देखिए SI फॉर 2 ईयर मतलब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 568 माइनस 520 48 रुपये। अब ये 2 साल का ब्याज है, ठीक, हमें 1 साल का पहले निकालना होगा, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा SI फॉर 1 ईयर 48 बाई 2 कर देंगे, क्योंकि ये 2 साल का है, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का आ गया। अभी देखिए 1 साल का ब्याज हमारा आ गया, अभी हम 5 साल का निकालेंगे, 5 साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120 रुपये आ गया। अभी आप पूछोगे सर हमने 5 साल का क्यों निकाला, क्योंकि हमें 5 साल का अमाउंट मिश्रधन पता है, 5 साल का हमें क्या है मिश्रधन पता है, तो इसके लिए हम 5 साल का ब्याज निकाल लिया, ठीक। अब 5 साल का जब हमें मिश्रधन पता है और 5 साल का हमें ब्याज पता चल गया, तो मिश्रधन माइनस ब्याज कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। देखिए वही फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, ए बराबर पी प्लस SI, तो पी बराबर कितना हो जाएगा ए माइनस SI हो जाएगा, तो ए कितना है 520 है,
सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 400। तो मूलधन का वैल्यू कितना आ गया 400। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है, आप मुझे ग्रुप में मैसेज करो या फिर सोलो मैसेज कर सकते हो, करके वहाँ से मैं आपको बता दूँगा। फिर भी एक बार समझ लो आप इस क्वेश्चन को। पूछ रहा कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 साल में 520 रुपये और 7 साल में 568 रुपये हो जाएगी। मतलब हमें वैल्यू नहीं पता है, वो अमाउंट क्या है जो कि साधारण ब्याज से 520 रुपये हो जा रही है और 7 साल में इतना हो जा रहा है। तो अभी 5 वर्ष का हमारा कितना 520 है और 2 साल में हमारा कितना बढ़ रहा है 568 हो रहा है, यानी कि 48 रुपये ज़्यादा हो जा रहा है 2 साल में। तो 520 के बाद जो 48 बढ़ा है ना 2 साल में, ये 2 साल का हमारा ब्याज हो जाएगा, ये 2 साल का हमारा ब्याज आ गया। ठीक, अभी हमें 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर दिया, 24 रुपये आ गया। अब फिर हम 5 साल का वो निकालेंगे, मूलधन हो ब्याज निकालेंगे, 5 साल का ब्याज हो गया 120। अभी हमें 5 साल का मूलधन पता है और ब्याज पता है, तो वहाँ से हम मिश्रधन पता है और ब्याज पता है, तो उसको हम माइनस करके मूलधन निकाल लेंगे। ठीक, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन था, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप पूरे क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, उसको देखिए, समझिए, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसको काफ़ी अच्छे से तैयार करना, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन लिया था वो एक एक करके पैटर्न पे लिया था, कि आप हर एक जितने भी क्वेश्चन है ना वो अलग अलग पैटर्न के हैं, तो आप सबको उसी टाइप के क्वेश्चन बुक से उठाओ और वहाँ से सॉल्व करो। ठीक है, उन बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे को बताओ, मैं सॉल्व करता हूँ उसको। ठीक है, और कल वेबिनार था, वेबिनार में मैं कुछ 10-15 मिनट के लिए ज्वाइन हुआ था, क्योंकि मेरा भी 11:30 बजे मीटिंग था, तो इसके लिए मैं उसमें टाइम नहीं दे पाया। तो उसमें यही बता रहा था कि क्या इम्पोर्टेंस है, और शायद वहाँ से PhD वगैरह भी कर सकते हैं, जो कि मेरे को खुद को नहीं पता था कि आप सिपेट से PhD भी कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा आपको, PhD भी कर सकते हैं। और आप, मैं तो ये सजेशन करूँगा कि आप DPMT या DPT करने के बाद ना आप PMD के लिए अप्लाई करो, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी मोल्ड डिज़ाइन, इसके लिए अप्लाई करो तो काफ़ी बेटर होगा। और अभी क्या है, सिपेट जो PPE किट है ना, जो COVID-19 से बचने के लिए PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं, PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड जो सामान होते हैं ना, नोज मास्क, हैंड ग्लव्स, गॉगल्स, ये सब, रेन कोट वगैरह, फायर ब्लैंकेट, इसको, ये सब PPE किट के अंदर आते हैं। तो ये सब भी बना रहा है अभी सिपेट। तो चलिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और कोई भी प्रॉब्लम होता है मेरे से पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।